नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूर्वी शुक्ला और आप देख रही हैं बोल स्काई। चूना या कैल्शियम कार्बोनेट हमारे शरीर के सबसे जरूरी पोषक तत्वों में से एक है। सामान्यतः भारत में लोग चूना पान के पत्तों के साथ लगाकर खाना पसंद करते हैं, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि प्राकृतिक तौर पर चूने में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो शरीर की 70% तक बीमारियों को खत्म कर सकता है, जैसे अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, नपुंसकता और बांझपन की समस्या। तो आइए जानते हैं चूना खाने से शरीर में और क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहले, जिन बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ रही है उनके लिए चूना किसी अमृत से कम नहीं है। गेहूं के दाने के बराबर चूना रोज दही में मिलाकर खाना चाहिए। दही नहीं है तो दाल में मिलाकर या पानी में मिला के लिया जा सकता है। इसके रोजाना सेवन से एक या दो महीनों में बच्चों की लंबाई में फर्क देखा जा सकता है। आपने देखा या सुना होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान कई महिलाएं दीवार से चूना खाने लग जाती हैं, क्योंकि उनके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान चूना खाना चाहिए। चूना कैल्शियम का सबसे मुख्य स्रोत है। अनार के रस में चूना गेहूं के दाने के बराबर मिलाकर रोज पी सकते हैं। जिन बच्चों की याददाश्त बहुत कम होती है वो बच्चे चूना खा सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब कभी शरीर के हिस्से की कोई हड्डी टूट जाती है तो चूने से प्लास्टर किया जाता है। टूटी हुई हड्डी को जोड़ने की ताकत चूने में होती है। इसके सेवन से घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द ठीक हो जाता है। कई बार हमारी रीढ़ की हड्डी में जो मनके होते हैं उनमें गैप आ जाता है, जिसे चूने से ठीक किया जा सकता है। इसके लिए खाली पेट पानी या जूस में मिलाकर चूने का सेवन सुबह खाली पेट करना चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लाइफस्टाइल से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए बोल स्काई।